स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास ट्वेल्थ का पॉलिटिकल साइंस का सेकंड जो हमारा है आज टेस्ट, और चैप्टर भी हमने लिया है सेकंड और फर्स्ट टेस्ट हो चुका है। और जैसे कि मैंने बताया था, मैं सैटरडे को टेस्ट की वीडियो अपलोड किया करूँगा पॉलिटिकल साइंस की, संडे शाम कल शाम 6 बजे तक आपको हमें अपना आंसर भेजना है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो दोस्तों टेस्ट लिखने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूं कि आपको क्या करना है। आपका जो पेज होगा, जिस पेज पे आप मुझे लिखकर सेंड करोगे, ऊपर आपको अपना नेम लिखना है। ये जरूर ध्यान रखना कि आपका नाम जरूर होना चाहिए और हर पेज पे लिख देना, कोशिश करना ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नाम लिखने के बाद कोशिश करना, अगर आपको पीडीएफ बनानी आती है तो पीडीएफ बनाकर भेजना मुझे, तो ज़्यादा आसानी होगी। तीसरी चीज़ क्या है, आप जब उसकी फ़ोटो खींचोगे तो आपको ना फ़र्श पे रखना है, यानी फ़र्श पे रखना है। कुछ बच्चे पैर पे हाथ पर रख के खींचते हैं तो पेज कुछ इस तरीके से मुड़ा हुआ आता है, मुड़ा हुआ अजीब सा, तो मुड़ा नहीं होना चाहिए, पेज आपका बिल्कुल ही सीधा होना चाहिए फ़ोटो में। पिक आपका क्लियर खींचनी है, पीडीएफ बना के भेजनी है और ध्यान से रखना है, बस इतना ध्यान रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो 1 मार्क्स का है, 1, 2, 3 क्वेश्चन नंबर जो भी हमारे, ये 1 मार्क्स से क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर दूसरा है दो ध्रुवीयता का अंत। पहले क्वेश्चन का क्वेश्चन ये है कि रूस की क्रांति कब हुई, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आपको सीधा सीधा ये लिख देना है डैश जो जब भी क्रांति हुई। किन दो गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले, आपको सीधा सीधा उनका नाम लिख देना है। बर्लिन की दीवार किन के बीच में विभाजन का प्रतीक थी, आपको सीधा आंसर लिखना है। जरा सा भी घुमा फिराकर बड़ा आंसर लिखने का प्रयास नहीं करना है, साफ सुथरा होना चाहिए। और जो मैंने पिछले टेस्ट में कुछ कमियां बताई थी, उन कमियों को ध्यान में रखकर आपको अच्छे से करना है, गलती नहीं करनी है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, दूसरी दुनिया का अर्थ क्या है, आपको बताना है इसे। सोवियत प्रणाली क्या थी, यूएसएसआर का पूरा नाम बताना है आपको। और सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था और कितने साल तक चला, आपको ये बताना है। बहुत ही सिंपल आंसर है इनके, आप बड़े आसानी से कर दोगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, सोवियत संघ की 4 विशेषता बतानी है। अब ना तो यहाँ पे आपको 3 बतानी है, ना ही आपको 5 बतानी है। कहने का मतलब है पूरे 4 पॉइंट होने चाहिए, ना तो आपको एक कम लिखना है, ना ही आपको एक फालतू लिखना है। सोवियत संघ की 4 विशेषता बता दी, अब सोवियत संघ की 4 कमियां बता दो। और शॉक थेरेपी जो हुई थी उसके 4 परिणाम बताने हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, शीत युद्ध की समाप्ति के क्या परिणाम हुए, आपको पता है सोवियत संघ का विघटन हो गया, विघटन होते ही शीत युद्ध खत्म हो गया, और शीत युद्ध जब खत्म हो गया तो उसके क्या परिणाम हुए, हमको यहाँ पे 6 पॉइंट में बताना है। भारत और सोवियत संघ के संबंधों पर चर्चा करो, पॉइंट तो इसके 3 दिए हैं बुक में, आपको 3 पॉइंट बताने हैं लेकिन उनको एक्सप्लेन कर देना है कम से कम 2 से 3 लाइन में, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन क्यों हुआ, सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण है, या तो कारण समझ लो या विघटन क्यों हो गया, जो भी रीजन रहे होंगे आपको वो पॉइंट लिख देने। आई होप आपको बहुत इजी लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, आप मुझे लिख कर भेज दें और अपना बेस्ट देना है, बेहतर से बेहतर करना है। कल शाम 6 बजे तक का टाइम है आपके पास, आराम से लिखो और मुझे भेजो, जल्दबाजी में मत लिखना, गलत मत लिखना। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें, अपने दोस्तों में अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को बताएं ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। धन्यवाद दोस्तों।